हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं यूको की ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील के बारे में। अगर आप अपने किचन के लिए एक ऐसा यूटेंसिल लेना चाहते हैं जिसमें खाना चिपके भी नहीं और जले भी नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको ये यूटेंसिल के बारे में डिटेल में जानकारी मिल सके। और आज जो हम बात करने वाले हैं उस ब्रांड का नाम है यूको, और ये जो ब्रांड है ये आपको थोड़ा नया लग सकता है, बट हालांकि ये बिल्कुल भी नया नहीं है। ये है यूनाइटेड एकता इंजीनियरिंग उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि काफी पुरानी कंपनी है कुकवेयर की। तो इनकी ट्राइप्लाई सीरीज के बारे में आज इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके नए नए जितने यूटेंसिल्स हैं उसके बारे में भी बहुत जल्द आपको पूरी डिटेल देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कैपेसिटी होती है 5 लीटर की, 300 mm, 300 mm का डायमीटर होता है। सीरीज का नाम है इंटेग्लियो ईटेक, और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग नॉनस्टिक के साथ आता है। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं मटेरियल, ये स्टेनलेस स्टील होता है, 3 लेयर में बना हुआ होता है, जिसको भी हम आपको पूरा अनबॉक्स करके दिखाएंगे। और ये आप यूज कर सकते हैं गैस स्टोव में, इंडक्शन में, हॉट प्लेट पे, और डिश वॉशर सेफ होता है। तो चलिए पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करने के लिए बॉक्स पैकेजिंग थोड़ी सी अलग किस्म की हुई है, तो सबसे पहले इसको यहां पे ऊपर उठा लेते हैं और यहां से इसको पहले निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर बॉक्स पैकिंग में हमें मिलता है, ये मिलती है इसकी लिड, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से पैक्ड है। इसको जरा साइड में रख लेंगे। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का, यहाँ पे ट्राइप्लाई सीरीज का आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिस जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको भी जरा साइड में रख लेते हैं। और फिर ये यूको की ट्राइप्लाई स्टील की कढ़ाई आपके सामने ले आते हैं। जरा सा बॉक्स को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे और फिर हम बात करेंगे कंप्लीट ट्राइप्लाई सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले अगर इस सीरीज के बारे में मैं बताऊं, तो ये सीरीज नॉर्मल सीरीज नहीं है। इसमें आपको काफी अच्छा शेप देखने को मिलेगा, डिजाइन देखने को मिलेगी, और कैपेसिटी भी सेम टाइम पे यही आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मैं सबसे पहले इसके टेक्सचर की बात करता हूं, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है जो मटेरियल इन्होंने दे रखा है उसके बारे में मैं पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो मटेरियल दिया है, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट 3 लेयर का आपको मटेरियल दे रखा है, जिसको हम ट्राइप्लाई स्टील कहते हैं। अंदर भी स्टील होता है, बाहर भी स्टील होता है, बीच में एल्यूमिनियम होता है, जिसका खाने से कोई भी मतलब नहीं है। और ये जो टेक्सचर आपको दिया हुआ है, इसकी वजह से आपका कोई भी फूड मटेरियल है वो चिपकता नहीं है और आपका जलता नहीं है। और यहाँ पे बीचों बीच आपको मिल जाती है यूको की ब्रांडिंग। तो ये मिला जुला के मुझे काफी अच्छी क्वालिटी लगी। बट हाँ, अगर आप प्लेन नॉनस्टिक लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे जो आज मैं इसकी स्पेशल सीरीज रिव्यू करने वाला हूँ वो है इसकी नॉनस्टिक कोटिंग वाली सीरीज। तो यहाँ पे आपको तीनों लेयर आपको मिल जाती है स्टेनलेस स्टील की, जिसकी वजह से नीचे की तरफ से भी यहाँ पे यूको की मार्किंग आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी। सबसे ऊपर देखने को मिलेगा यूनाइटेड एकता इंजीनियरिंग उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद SS304 ग्रेड की स्टील है अंदर पे, बीचों बीच एल्यूमिनियम है, और नीचे की तरफ स्टेनलेस स्टील है जो कि मैग्नेटाइज होती है। और यहाँ पे यूको की ब्रांडिंग है, 300 mm है, बैच नंबर दिया हुआ है, हॉट प्लेट, गैस, हेलोजन, इंडक्शन सब में यूज हो सकता है। सुपीरियर क्वालिटी दी हुई है, लॉन्ग लास्टिंग कोटिंग दी है, और सुपीरियर फिनिशिंग भी दी हुई है। अगर मैं इसके यहाँ पे रिपीट्स की बात करता हूँ, हैंडल की बात करता हूँ, तो हैंडल काफी बेहतर क्वालिटी के दिए हैं। हमेशा से मैं आपसे बताता भी आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये वाले हैंडल्स होते हैं, ये हैंडल्स काफी बेहतर क्वालिटी के होते हैं, जिसमें गंदगी फंसती भी नहीं है, और कढ़ाई से काफी स्पेस आपको मिल जाती है क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे हैंडल में मैं कह सकता हूँ काफी बेहतर क्वालिटी का है, अंदर की तरफ से आपको रिपीट्स क्लियर मिलती हैं। टोटल अगर कैपेसिटी की बात करता हूँ कि कितने कैपेसिटी की ये कढ़ाई है, ये है 5 लीटर कैपेसिटी की, डायामीटर है 300 mm का, तो ये बड़ी कढ़ाई है आपके हिसाब से, और ये आपको काफी लॉन्ग लास्टिंग फिनिशिंग देगी। इसमें आप स्पैचुला, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी वुडन या सिलिकॉन का यूज करिए, जिससे आपका ये काफी ड्यूरेबल आगे तक यूज कर सकें। और अगर कढ़ाई की बात करते हैं तो ये इंडक्शन पे भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी लिड की, तो लिड को जरा ओपन कर लेते हैं फिर आपको, और इसकी लिड भी जो दी हुई है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी जितने भी आपने लिड्स अभी तक देखी होंगी। तो जरा सा लिड को जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिड की अगर मैं बात करता हूँ तो काफी डिफरेंट शेप में दी है, काफी यूनिक डिजाइन में दी हुई है। अब इसको लिड को इस तरीके से दिखाएं ये नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा बहुत इन्होंने ये चीज ध्यान दी है कि यहाँ पे आपको खूब बड़े बड़े से प्रोमिनेंट स्क्रूज दे रखे हैं, जो कि थोड़े से मुझे ऑड लग रहे हैं, बट देखने में मिला जुला कि ये थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक डिजाइन लग रहा है। हालांकि कंपनी ने क्वालिटी काफी अच्छी दी है। साइड से इसमें आपको मिल जाती है स्टेनलेस स्टील का
बॉर्डर जो कि काफी बेहतर तरीके से ग्लास को सपोर्ट करता है। यहाँ पे मिल जाता है होल जिसमें एक्स्ट्रा स्टीम इवेपोरेट हो सकती है। तो जरा सा इस कढ़ाई को ऐसे रख के भी देख लेते हैं कि आखिर क्या इसका लुक आ रहा है। तो अगर लुक को अगर आपको डिटेल में देखना है तो एक बार 360 डिग्री व्यू दे देता हूं इसका। कढ़ाई ही ये प्रॉपर लेड है और यहाँ पे आपको ये कंप्लीट व्यू मिलेगा इस कढ़ाई का। कढ़ाई देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक की है, क्वालिटी प्योर स्टेनलेस स्टील है तो अच्छी होती है। और नीचे की तरफ से कहीं भी अलग से बेस नहीं लगा हुआ है जिसकी वजह से बेस निकलने का कोई इशू नहीं आने वाला है। और आपको ये मिलती है बहुत ही अच्छे, अंदर से आपको मिल जाती है इस टाइप की कोटिंग या कह सकते हैं इस टाइप का टेक्सचर जो कि पूरी तरीके से नॉनस्टिक का वर्क करेगा। और ये कंप्लीटली कवर्ड है ऊपर तक जिसकी वजह से कहीं भी अगर आपका साइड में भी अगर फूड मटेरियल चिपकता है तो वो भी आप इसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मिला जुला के ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, बट ग्लास लिड की जगह अगर ये स्टील लिड भी दे देते तो काफ़ी बेहतर रहता, क्योंकि काफ़ी समय से ये जो ग्लास लिड होती है वो बहुत लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग की प्रेफरेंस होती है ग्लास लिड की। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी कढ़ाई जिसमें आपको कंप्लीट कढ़ाई आपको मिलती है स्टेनलेस स्टील की, मगर उसमें अगर आपको चाहिए ग्लास लिड तो आपके लिए ये एक लौता ऐसा ऑप्शन है जो कि स्टेनलेस स्टील के हैंडल देता है प्लस ग्लास लिड का आपको सपोर्ट दे देता है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ग्लास लिड में कौन कौन सी कढ़ाइयां आती हैं। हॉकिंस की कढ़ाई आपको ग्लास लिड में देखने को मिलेगी, प्रेस्टीज की स्प्लेंडर सीरीज की कढ़ाई आपको ग्लास लिड में देखने को मिलेगी, मगर उन दोनों में एक चीज है, प्रेस्टीज ने यहाँ पे लगा दिया है थोड़ा सा सिलिकॉन और रबड़ जैसी फिनिशिंग, हॉकिंस ने यहाँ पे लगा रखा है आपको ये वुडन की फिनिशिंग। बट यहाँ पे जो ये वाली कढ़ाई आपको मिलती है इसमें एक तो आपको नीचे अंदर की तरफ से जैसे हनीकॉम सीरीज आती है तो उसी सीरीज में आपको ये दे रखा है, और यहाँ पे साइड में आपको दे दिया है प्योर स्टेनलेस स्टील के हैंडल जो कि लगभग स्टे कूल रहते हैं, और आपको ऊपर से दे दी है ग्लास लिड। तो ये है कि अगर आप चाह रहे थे कि बेहतर क्वालिटी की कढ़ाई हो ग्लास लिड के साथ जिसमें कहीं भी प्लास्टिक का यूज ना किया गया हो तो ये कढ़ाई आपके लिए बेहतर हो सकती है। बट दो बातों का याद रखिएगा, अगर आप प्लेन स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई लेना चाहते हैं तो ये कढ़ाई आपके लिए नहीं है। अगर आप ऐसी कढ़ाई लेना चाहते हैं जिसमें खाना जले ना और चिपके ना, तब ये कढ़ाई आप परचेज कर सकते हैं। तो इन दो बातों का ध्यान रखिएगा इस कढ़ाई में। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो ये जो 5 लीटर कैपेसिटी की है इसमें और भी सारे साइजेस आपको मिलेंगे, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर गैस स्टोव में रखने में कितनी स्पेस ये लेगा, और उसके बाद इसकी बाकी डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो अगर कढ़ाई का एक प्योर लुक आपको देना है तो यहां पे ये आपके सामने है। तो कढ़ाई का अगर लुक की बात मैं करता हूं तो मिला जुला के काफी अच्छी देखने में लग रही है, और कढ़ाई स्पेस भी ठीक ठाक ले रही है कि अगर आप चाहते हैं, वैसे इस कढ़ाई को इस साइड ही हमेशा यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे है बड़ा बर्नर। तो बट आपको मैं बीचों बीच में इसलिए दिखा रहा हूँ कि कढ़ाई आपको बेहतर तरीके से देखने को मिल जाए। तो ये वाली जो कढ़ाई है मिला जुला के मुझे काफी बेहतर लगी है, और अब इसकी बात कर लेते हैं प्राइसिंग की और बाकी चीजों की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाली कढ़ाई आप परचेज करना चाह रहे हैं, सीरीज के बारे में परचेज करना चाह रहे हैं, तो ये आपको मैंने वीडियो में इसका बाय लिंक दे दिया है जहां पे इसका अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं, इसकी एमआरपी है 4599, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेहतर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो कि आप ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल कढ़ाइयाँ आपको देती हैं 5 ईयर की वारंटी, बट इसने दे रखी है 10 साल की वारंटी जो कि एक काफ़ी बेहतर टाइमिंग होता है। अगर यूटेंसिल में आप थोड़ा बहुत पैसा भी लगा रहे हैं तो अगर वो 10 साल की वारंटी देता है तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। तो यहाँ पे यूकुक की ये कढ़ाई आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ अगर इस टाइप के यूटेंसिल आपको परचेज करने हैं तो इसकी कंप्लीट सीरीज मैंने आपको लिंक में दे दी है जिसमें जाके इसका फ्राई पैन, इसकी कढ़ाइयाँ, इसके बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा ये कढ़ाई कैसी लगी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आती है तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।